सीरियल मन अति सुंदर में फूटेगा सुजाता स्वामी का भांडा आने वाले ट्रैक में देखने को मिलता है कि अब सुजाता है कि जो प्लानिंग है वो है राधिका के लिए दीपम के दिल में नफरत घोल देना और उसका काम वो स्वामी करते नजर आएगा और उस दीपम के बीच में और राधिका के बीच में गलतफहमियां क्रिएट करने की पूरी कोशिशें हो चुकी हैं। यहाँ तक कि दिव्यम इतना बुरी तरह से राधिका पर भड़क जाता है अपनी ऑफिस की फाइल को लेकर कि वो ऑफिस पहुंच जाता है और फाइल को यहाँ पर भूल जाता है। देखने को मिलने वाला है कि गुस्से में दिव्यम गलत फाइल उठाकर ले जाता है। वहीं पर जो है सुजाता यहाँ पर स्वामी को पैसे देते नजर आती है और यहाँ पर जो दिव्यम पहले से सुजाता को कॉल लगा चुका होता है कि उसे सही फाइल गोलू के साथ भिजवाए। देखने को मिलने वाला है कि लेकिन यहाँ पर सुजाता का मोबाइल कट करने की जगह वो रिसीव कर लेती है और देखने को मिलता है कि वो सारी बातें जो है दिव्यम यहाँ पर मामा कहते रहता है। सुजाता को पता ही नहीं चलता कि उसका मोबाइल ऑन रह चुका है और वो स्वामी को पैसे देते नजर आती है और कि ये तुम्हारी पहली किस्त, इसी तरह से काम करते रहो। सुजाता यहाँ पर ये भी कहते नजर आती है कि भाई राधिका को हमेशा के लिए इस घर से निकालना है और दिव्यम के दिल में इतनी गलतफहमियां क्रिएट कर दो कि वो खुद राधिका को छोड़ने को मजबूर हो जाए। देखने को मिलने वाला है कि ये सब कुछ दिव्यम फोन पर सुन लेता है। उठ जाते हैं दिव्यम के होश की सुजाता ये सब कुछ स्वामी को पैसे देकर इसीलिए कुछ करना चाहती है। फिर दिव्यम को सब कुछ रिकॉल होता है कि उसने उस दिन पैसे भी देखे थे, सुजाता को स्वामी के कमरे में भी देखा था और अब तक स्वामी एक बार फिर से सुजाता उसे बेवकूफ बना रही है और फाइनली दिव्यम के सामने सच आ जाएगा कि वो राधिका के और दिव्यम के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने के लिए स्वामी को लाया गया है।